हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चटाका रसोई। चटाका रसोई में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी मलाई पनीर टिक्का की बेहद आसान रेसिपी, जिसे देखकर शायद आप भी मलाई पनीर टिक्का घर पर बना पाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, और वो भी सिर्फ एक मसाले के साथ। एक ऐसे मसाले के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करके आप एकदम रेस्टोरेंट जैसी सब्ज़ी बना सकते हैं, और उस मसाले को डालने के बाद आपको नमक तक सब्ज़ी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद आप सभी के लिए तंदूरी मलाई पनीर टिक्का की रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैं आपको 500 ग्राम पनीर के हिसाब से सभी चीज़ों का मेज़रमेंट बताऊंगी। यहाँ हमने लिया है आधा किलो पनीर, और इसे हमें ऐसे मोटे मोटे लंबे लंबे पीसेस में काट लेना है। मैं जिस भी चीज़ का मेज़रमेंट आपको बताऊंगी, क्वांटिटी आपको 500 ग्राम पनीर के हिसाब से बताऊंगी, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से आपको लंबे लंबे पीसेस में और मोटे मोटे पीसेस में पनीर को काट लेना है। और ये जो हमारे घर में ओवन होते हैं जिनमें हम नॉर्मली बाटी टिक्के बनाते हैं, वो सब हम इसमें बनाते हैं। इसमें हमको इस पनीर को रोस्ट करना है, जिससे कि इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा और इसमें जितना भी मॉइस्चर और पानी होगा वो निकल जाएगा। ये देखिए, थोड़ी देर भूनने के बाद पनीर हमारा अच्छे से भून चुका है। और इसी तरह से हमें प्याज और शिमला मिर्ची को भी भूनना है। अब यहाँ प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च और धनिए की कुछ डंडियों के साथ हम एक प्यूरी तैयार करके रखेंगे। यहाँ अब हम मैरिनेशन के लिए तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक कटोरी मलाई, और मलाई में हम यहाँ डालेंगे 50 ग्राम काजू का पेस्ट। 50 ग्राम काजू को हमने थोड़े से दूध के साथ भिगो के रखा था और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था, अब वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ थोड़ा सा हमने डाला है ऑरेंज फूड कलर, इससे हमारी मैरिनेशन में बिल्कुल परफेक्ट कलर आएगा। और ये देखिए, मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छा कलर आया है। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब मैं आपको उस मसाले के बारे में बताऊँगी जिसके बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये है हमारा सीक्रेट मसाला। ये SDS ब्रांड का शाही पनीर मसाला है, जिसे डालने के बाद आपको सब्ज़ी में कोई भी मसाला ऐड नहीं करना होता है। इस मसाले में नमक तक ऐड होता है। बस यहाँ हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे। और ये ली है हमने अमूल की फ्रेश क्रीम। 500 ग्राम पनीर के हिसाब से यहाँ हमने 150 ग्राम क्रीम यूज़ की है। अगर आप पनीर कम रखते हैं तो उसके हिसाब से आप क्रीम की क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। और क्रीम डालने के बाद हम इन सभी मसालों को अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए मलाई और क्रीम के साथ। और अब जो हमने पनीर को भूना था उसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स कट किए थे, और वो क्यूब्स हम इस मैरिनेशन में डाल देंगे। इस तरह से आपको इसे डालकर मिक्स करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देना है, जिससे कि सारे मसालों का फ्लेवर पनीर पर आ जाए अच्छे से। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में हम भूनेंगे कसूरी मेथी, और अब हम डालेंगे भुने हुए शिमला मिर्ची और प्याज, जिन्हें हमने तंदूर में भून कर रखा था। ये दोनों सब्जियों को हमें डालकर अच्छे से भून लेना है कढ़ाई में। ये देखिए, इस तरह से आपको इन्हें भूनना है। अभी हमें इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना है। आपने देखा कि मैंने इसमें कोई जीरा तक ऐड नहीं किया है। और अब ये जब सब्जियां भुन गई हैं, हमने एक प्यूरी तैयार की थी सभी सब्जियों के साथ, वो प्यूरी हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्यूरी को मिक्स करके आपको तब तक भूनना है जब तक इसमें से घी सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि ये प्यूरी जितना ज़्यादा कुक होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ 2 छोटे चम्मच हमने इसमें चीनी ऐड की है, और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये 2 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा डाली हैं उस मसाले के अलावा। अब जब ये प्यूरी हमारी भुन चुकी है, अब हम इसमें वो मैरिनेशन वाला पनीर ऐसे ही पूरा हमें इसमें डालकर मिक्स करना है, और थोड़ी देर के लिए हमें इसे कुक करना है। बस तैयार है हमारा तंदूरी मलाई पनीर टिक्का।
टेस्ट में ये एकदम सुपर डुपर होता है और एकदम रेस्टोरेंट जैसा लगता है। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। बहुत आसान है इसे बनाना और अगर आप इस मसाले के साथ इसे बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट है। ये देखिए परफेक्टली बिल्कुल तैयार है हमारा तंदूरी मलाई पनीर टिक्का। अब आप इसे सर्व करने के लिए एक बोल में ट्रांसफ़र करिए और उस पर थोड़ा सा गार्निशिंग करिए पनीर के साथ और बटर के साथ। बस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी